दशमी है और आज संगम नगरी में से बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है, क्योंकि आज के दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध करके आज विजय हासिल करी थी। उसकी एक झलकी आज हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर, किस तरह से इलाहाबाद संगम नगरी में दशहरा मनाया जाता है। आज विजय दशमी के दिन काफी लोग श्रद्धा पूर्वक दशहरा मना रहे हैं और हमारे साथ इलाहाबाद विकास मंच के अध्यक्ष श्री बद्री चौरसिया जी हैं और उनके सहयोगी हैं। आइए हम बद्री चौरसिया जी से बात करते हैं, थोड़ा सा दशहरे के बारे में और इलाहाबाद संगम नगरी के इतिहास के बारे में दशहरे के जानते हैं। बद्री जी, पहले हमें ये बताएं कि आज जो दशहरा मनाया जाता है संगम नगरी में श्रद्धा पूर्वक, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं डिटेल। इलाहाबाद शहर का ये दशहरा, यहाँ पर पजावा कमेटी और पत्थर चट्टी कमेटी के द्वारा सैकड़ों साल पहले से यहाँ चौकियाँ निकाली जाती है भगवान श्री राम के सम्मान में। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम आज ही के दिन लंका के राजा रावण को मार करके, अत्याचारी राजा को मार करके, आज ही के दिन अयोध्या उनका आगमन हुआ था और उसी के परिप्रेक्ष्य में यह विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है, जो हमें संदेश देता है कि अच्छाई पर बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में जाना जाता है, असत्य पर सत्य की जीत के रूप में जाना जाता है, अन्याय पर न्याय की जीत के रूप में जाना जाता है, पाप पर पुण्य के रूप में जाना जाता है। और इलाहाबाद का दशहरा हिंदुस्तान में मैसूर के बाद दूसरे नंबर का दशहरा माना जाता है। जो चौकियाँ यहाँ पर निकलती हैं पत्थर चट्टी कमेटी की, उसका कोई जवाब नहीं है, जितनी शानदार चौकियाँ यहाँ निकलती हैं। और आज पूरे देश के लोग, हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग आकर के यहाँ के दल को देखने का काम करते हैं। तो आपको बताया जाता है कि जैसे कि यहाँ हिंदुस्तानी नहीं विदेश से भी लोग आके यहाँ के दशहरे को और सेलिब्रेट करते हैं और हर्षोल्लास के साथ यहाँ मनाया जाता है। संगम नगरी से मैं सैयद मोहम्मद आमिर, कैमरामैन आरिस के साथ वर्ल्ड मीडिया टाइम्स। कृपया हमारे चैनल